आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? सही कम आ रही है ना, जरा सा नजदीक आ रही है माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? क्या कहा है आपने? कुछ नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, क्या कहा था इन्होंने? अच्छा खैर छोड़िए, आप इतनी शरारती क्यों अपनी आम जिंदगी? किसने कहा आपने? मैं कह रहा हूँ। कैसे? आपके साथ एक फिल्म में काम करने का इत्तेफाक हुआ था, सेट पर आप कभी चैन से नहीं बैठती। ओ अच्छा। शरारतें, पानी गिरा दिया, कोक की बोतल में मक्खी डाल दी। आपको कोई एतराज है? जी कोई एतराज है आपको? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप किसी का सर फाड़ दें, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बंदे को थोड़ा सा लाइवली तो होना ही चाहिए ना, अगर आप नहीं है तो। मेरे में तो ऐसी आदत है। और अगर आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इतना कहूँगी कि मैं थोड़ी सी जल्दबाज हूँ। यानी अगर मैं कोई वीडियो फिल्म देखने जा रही हूँ तो मैं उसका एंड पहले देख लेती हूँ, माशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर मैं कोई बुक पढ़ने जा रही हूँ तो उसका एंड पहले से पढ़ लेती हूँ। तो आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाह रहे थे ना? जी हाँ, मैं नेचर के बारे में। अच्छा चलिए, हटते हैं नेचर से थोड़ा सा अननेचुरल होते हैं। ये बताइए कि आपको फिल्मी दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? मुझे शमीम आराबाजी। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों की सैर कर ली होगी शूटिंग के सिलसिले में? जी हाँ। कहाँ कहाँ गई हैं? बहुत सारी जगहों पर गए हैं। अब काफी टाइम लग जाएगा अगर बताना शुरू करूँ। जी, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी को देख के आप बहुत हंसी हो, किसी बात पे, किसी चीज पे बहुत हंसी हो? जी हाँ, हंसी हूँ काफी दफे। अच्छा, कैसे हंसती हैं आप? क्या मतलब कैसे? मतलब हंसी आई किस बात पे? मैं आपकी, अच्छा किस बात पे? हाँ, क्यों बताऊँ मैं आपको? ये मेरी अपनी पर्सनल ये बात है, क्यों मैं आपको बताऊँ कि क्यों हंसी आई? मतलब हर बात आपकी पर्सनल है, कुछ ना पूछूं, ये क्या बात हुई? मतलब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिस पे आपको हंसी आई? अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे उस वक्त हंसी आई थी बहुत। और मैं भी अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो मैं बहुत रोया था। अच्छा एक बात बाबरा आपके बारे में और है, कि आप मेकअप बहुत कम करती, मेकअप का इस्तेमाल कम करते हैं, वरना ज्यादातर हीरोइंस को फिल्म के देखा है कि वो चाहे अपने रोल पे तवज्जो दें या ना दें लेकिन अपने मेकअप पे बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, लेकिन आप में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें ज्यादा वक्त हमें मेकअप में रहना पड़ता है और इंसान तंग भी आ जाता है। वैसे भी मुझे मेकअप का कोई ज्यादा शौक नहीं और मुझे सूट भी नहीं करता, और मेरा रंग आप जैसा सांवला भी नहीं है कि मैं मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब आगे सवाल करूं आपसे? अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, कोई ऐसा अदाकार जिसके साथ काम करके बहुत लुत्फ आया हो आपको? जी हाँ, बहुत से हैं। जी बहुत से हैं ऐसे। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हर आर्टिस्ट देता है, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे हैं। किसी एक का नाम पूछा है मैंने, अगर आप मेरा सवाल ध्यान से सुन लें। नदीम साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा है। मतलब बाकी सबको काम नहीं आता और जो दूसरे हैं? नहीं, फिर आप देखिए ना, वही अच्छा, बात जब मैंने ये कहा कि सभी बहुत अच्छे हैं तो फिर आगा ताले साहब और मोहम्मद अली साहब और सबका नाम गिना दें वरना बाद में शिकायत होगी लोगों को। अच्छा टेलीविजन पर आप नहीं आते, ये पहली दफा ऐसा इत्तेफाक है कि आप टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रही हैं? जी। तो इंटरव्यू क्यों नहीं देती आप, और आज कैसे राजी हो गई आप इंटरव्यू के लिए? ऐसा होता है कि इंसान जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसान इनकार नहीं कर सकता। आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं इमरान साहब की बात कर रही हूँ। बताइए, बुलवाया एनटीएम के जरिए हमने, नाम आप इमरान खान का ले रही हैं? नहीं तो क्या हो सकता है? अच्छा नहीं, सीरियसली वाकई टेलीविजन पे आप क्यों नहीं देती हैं इंटरव्यू, मजाक बरतरफ बिल्कुल संजीदगी से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टेलीविजन के साथ मेरा कोई क्या कहना चाहिए, नाराजगी नहीं है।
लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब भी उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं मुल्क से बाहर होती हूँ या मैं शूटिंग में बिजी होती हूँ, तो मैं जा नहीं सकती। इस वजह से ये इत्तेफाक हो गया होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, नाराजगी किसी जहन में ये होता है कि साहब कोई नाराजगी तो नहीं हो गई है कि आप टेलीविजन पर नहीं आती हैं? पाकिस्तानी फिल्मों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहेंगी? आप इतनी सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इतनी फिल्मों में काम किया है आपने, तो जो हाल है आजकल इंडस्ट्री का, तो इसके मुस्तकबिल पे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कहेंगी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अपनी ही बुराई करना अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छी, देखें, मेरा मतलब ये है कि हमारी फिल्में जो हैं इतनी अच्छी नहीं बन रही जितनी पहले बनती थी। वो शायद मुल्की हालात की वजह से हैं या जो भी कुछ है। पहले अच्छी फिल्में बना करती थी, लोगों का भी यही ख्याल है और मेरा भी। तो ये कि अल्लाह से दुआ है कि अच्छी हों, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई चांस नजर नहीं आते। अच्छा, एक गाना है जो ख्वाहिश है मेरे दिल में कि वो आपके घर में, वो गाना हम कब सुनेंगे? कौन सा? मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां। आपको भी यही सवाल किया था इमरान साहब ने? जी, आपको ये सवाल किया था इन्होंने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं क्योंकि मुझे आप... वैसे इस कॉन्वर्सेशन से बाहर ही रखे, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? ये यू नो, ये गाना जो है मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, कभी नहीं सुना आपने? तो आप राजी तो हो ना? ये आपने कुछ मायूब बात नहीं कर दी इस तरह से टेलीविजन पे डायरेक्ट? नहीं, देखिए, भाइयों को ही तो फिक्र होती है बहनों की, इसलिए मैंने कहा था। इमरान, शो के बाद मुझे आपसे एक बात करनी है।